मेरा नाम रिदाय जार है और मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ. मैंने टोर्शिया 2016 में ज्वाइन की थी एंड हम लोग पहला बैच थे और पहले यह था कि हमें बहुत ज़्यादा जैसे हमने बोर्ड चेंज किया था पहले कि हम पिंडी से फेडरल में आए थे तो हमें पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ था हमारा, उस वजह से हमें परेशानी थी. लेकिन यहाँ पे टीचर्स ने सबसे शुरू में ही हमें ओरिएंटेशन लेक्चर्स इस तरह दिए कि हमें गाइड किया. लेकिन उस वक्त भी लगता था कि ये पता नहीं किस तरह कहेंगे वो टेस्ट लेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली हमने उन चीज़ों को ग्रैब करना शुरू कर लिया. और उसके बाद ये कि हमारे टेस्ट जो सारे होते रहे पूरे सेशन में, रेगुलर सेशन में. इसके अलावा जो हमारा टेस्ट सेशन था उसमें मेन आपने फोकस करना होता है कि आपने रेगुलरली टेस्ट की तैयारी रोज़ रोज़ करनी है, और उसमें भी टीचर्स ने हमें गाइड करते रहे. और साथ साथ ये कि हमें उन्होंने एंट्री टेस्ट के हवाले से भी गाइड किया, बिकॉज एंट्री टेस्ट इज़ नॉट लाइक कि आपने सिर्फ पढ़ना है, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी के मेरिट की, हर यूनिवर्सिटी के आपको पता होना चाहिए कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ताकि बिकॉज आपको अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी लेते हैं. फिर उसके बाद एम कैट में हमारे टेस्ट होते हैं, रोज़ टेस्ट होते थे. और शुरू में होता था कि हमें प्रॉब्लम हर किसी को ऑफकोर्स होता है, बिकॉज आप किस ऐसे सिस्टम से आप ऐसे टाइप जो आप लिखते हैं सब्जेक्टिव वगैरह, उस पेपर से आप ऑब्जेक्टिव पेपर पर डायरेक्टली आते हैं, दैट इज़ टोटली कंसेप्चुअल. तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम शुरू में आती है, लेकिन टीचर्स आपको गाइड करते रहते हैं एंड वो आपको एमसीक्यूज़ करते रहते हैं. और इवेंचुअली एकेडमी में ही होते हुए टेस्ट के दौरान इतनी प्रैक्टिस होती है, टीचर्स डिस्कस करते हैं उन टेस्ट को कि आप उसको चीज़ों को ऐसे ऐसे ग्रैप करते हो. एंड आप पढ़ना तो आपने खुद है, ऑफकोर्स हर बंदा खुद पढ़ता है, लेकिन साथ साथ टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं उस पर. हम टोर्शिया के जो टीचर्स हैं आपको पता है कि वो इतने रिनाउंड पूरे रावलपिंडी में आप, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और अब हम जहाँ पे हैं वो इन टीचर्स की वजह से है. एंड हमारे पेरेंट्स की दुआएं और ये सब कुछ, इन टीचर्स की मेहनत और बच्चे की खुद की भी मेहनत, इस सब में बहुत ज़्यादा काम करती है. और ये सब कुछ इदारे के तरफ से है.